केरल के एर्नाकुलम कन्वेंशन सेंटर में हुए सीरियल ब्लास्ट की जांच 20 सदस्यीय टीम करेगी। इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इसमें एक 12 साल की लड़की भी शामिल है जिसने देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 41 घायल है जबकि 5 की हालत गंभीर है। राज्य की स्वास्थ्य के मुताबिक 17 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है, इनमें 12 ICU में है और 3 वेंटिलेटर पर है। 4 की हालत गंभीर है जो करीब 50 से 60% तक झुलस गए हैं।